एक कदम वो इलाका है जहां मेरे लोग ने खून पसीना बहाया है, अपने आंसू भी अपने शक्तियों को जाना आपको आंसू रावा बन चुका है। जो भी इस रास्ते में आएगा राख हो जाएगा। देखिए मेरा दोस्त मिला है हमको हमारे साथ, इनको तो आप सब लोग पहचानते हैं बोट के नाम से। पूरा पार्किंग देख सकते हैं, खचा खच भरा हुआ है। आए हैं बस सुंदर सुंदर लड़की देखे हैं, बस यही देखे हैं, और आप भी यही देखिए, आप ये फिल्म के चक्कर में मत पड़िए। चलिए ठीक है, आप तो देखे भी हैं और साथ लेकर भी आए हैं। गाइस इनका टी शर्ट देख सकते हैं, इनका दुगो नीचे लटका हुआ है। हमारे साथ है श्रीनिवास बेलमकोंडा और साथ में है खूबसूरत सी नुसरत भरोचा। All right guys, what's up everybody, welcome back to our channel, it's Manish Sasvika and with the new video guys। तो guys आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आज ब्लॉग में क्या होने वाला है। ब्लॉग में जो भी होने वाला है, without wasting any time हम लोग निकलेंगे, और मैं निकलता हूँ अभी पटना सिटी सेंटर, जो बड़ा मॉल है पटना का, उस वहाँ पे जाने के लिए मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही आगे का प्रोग्राम वहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो हम निकलते हैं गाइज, आप ब्लॉग में बने रहिए, थैंक यू। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम लोग अपना गाड़ी तो पार्क कर दी, और पूरा पार्किंग देख सकते हैं खचा खच भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी इस मॉल के पार्किंग में नहीं देखी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ी पार्किंग है, और पता नहीं देखकर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। तो चलते हैं मॉल के अंदर गाइस। तो ऑलराइट गाइस हम लोग मॉल के अंदर पहुँच गए, हम लोग टॉप पे आकर के अभी बैठे हैं, एंड बात कुछ ऐसा है कि यहाँ मूवी है छत्रपति जो साउथ में रिलीज हो रही है, एंड उसमें एक साउथ के एक्टर है जो बहुत ही फेमस है, एंड एक बॉलीवुड हीरोइन जो नुसरत भरूच वो है, जो पटना आज सिटी सेंटर में आने वाली है 5:10 पे। तो जब वो नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे पूरा सेटअप हो रखा है, जब आ जाएंगे तब हम लोग चलेंगे नीचे, और नीचे चल करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं होने वाला है। एंड सॉरी मैं एक्टर का नाम बताना भूल गया, क्या था एक्टर का नाम धीरज भैया? अरे वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है गाइस, मैंने बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं हुआ। बेलमकोंडा, बेलमकोंडा तो है लास्ट में, श्रीनिवास, हाँ सॉरी श्रीनिवास बेलमकोंडा एक्टर का नाम है जो आज आने वाले। तो गाइस जब आते हैं तो हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Hi guys, कौन सा फिल्म में देखे थे? हाँ? प्यार का पंचनामा और सोनू के टिटू, ये तो टंग ट्विस्टर है नहीं? तो हम अभी बीच में आते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन भाई एनर्जी एकदम बरकरार रखनी है। So guys, बहुत ही डिले हो गया है, हम लोग जब से आए 1 घंटा रुक गया, और देखिए हमारे मालिक हमको यहाँ मिल गए हैं। ये हमारे मालिक हैं, इनका नाम है अर्जुन मेहता। तो आप कुछ कहना चाहते हैं क्या अर्जुन भैया? कुछ नहीं, अच्छा आए हैं बस सुंदर सुंदर लड़की देखे हैं, हाँ हाँ बस यही देखे हैं, और आप भी यही देखिए, तो आप ये फिल्म के चक्कर में मत पड़िए। चलिए ठीक है, आप तो देखे भी हैं और साथ लेकर भी आए हैं। देखिए देखिए यही है जो अर्जुन मेहता हमारे मालिक लेकर के आए हैं मैम को। गाइस इनका टी शर्ट देख सकते हैं, इनका दुगो नीचे लटका हुआ है। और इनका चेहरा देखिए, यही शख्स है जो हेलीकॉप्टर उड़ाता है। अरे भाई गेट पे बहुत लटका हुआ है, लटका हुआ नीचे नीचे ना। अरे गेट पे फाइनली इंतजार हो गया खत्म, और देख सकते हैं आप लोग ये लोग पहुंच गए हैं, जो भी एक्टर और एक्ट्रेस दोनों जो आने वाले हैं, बस अब 2 मिनट में ऑन द स्टेज होंगे ये लोग। हमारे साथ है श्रीनिवास बेलमकोंडा और साथ में है खूबसूरत सी नुसरत भरोचा। कम ऑन पटना, कम ऑन पटना। और हमारे साथ श्रीनिवास बेलमकोंडा जो कि खूब खूबसूरत से नुसरत भरोचा। मुझे
लगता मुझे हर बार आना चाहिए। आप इतना प्यार करोगे तो मुझे खींच खींच के यहाँ ले आएंगे लोग। थैंक यू गाइस, थैंक यू आप यहाँ आए। पिक्चर 12 मई को आ रही है, इतना ही प्यार आपको थिएटर में जाके दिखाना पड़ेगा। अब टीवी पे काम नहीं चलेगा, थिएटर जाना पड़ेगा। और अब थिएटर, अब थिएटर एक कदम वो इलाका है जहाँ मेरे लोग ने खून पसीना बहाया। अपने आंसू भी, अपने शक्तियों को जाना, आपको आंसू रवा बन चुका है। दूर मेरे बंदर, तेरे लोग जो भी इस रास्ते में आएगा राख हो जाएगा। तो मैं बताऊं कि आप सब इतना समय तक इंतजार किया ना, इसलिए हम ये तोहफा दे रहे। तोहफा 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 तोहफा। तो गाइस ये क्राउड आप लोग देख सकते हैं, ये अंबुजा सीमेंट पटना सिटी सेंटर के बाहर का, और देखिए कितना खचा खच लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे। फाइनली सारा मेला हो गया खत्म, और देखिए मेरा दोस्त मिला है हमको बड़ी दिनों बाद। भाई आप लोगों ने इसका वेब सीरीज देखा कि नहीं देखा, मछली जो हॉट स्टार पे आया, साला बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, इसलिए हम ब्लॉग में कर नहीं रहे थे ये चीज, क्योंकि अगर आप लोग फ्री हो, फ्री क्या हो, फ्री नहीं भी हो, फिर भी जा करके डिज्नी हॉट स्टार पे इसका मछली वेब सीरीज देखो, क्योंकि बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है और भाई मेरा बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। तो सब लोग दबा के देखिएगा। तुम कुछ बोलना चाहता तो बोलो। सब लोग मछली देखिए, हॉटस्टार पे अवेलेबल है, उसके बाद बताइए कैसा। हाँ तो अच्छे से देखिए, क्योंकि जब जब हमारे दोस्त लोग आगे बढ़ता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अच्छी बात है कि हमारा दोस्त हॉटस्टार पे छा गया है, हो गया दोस्त मेरा, कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये भी है हमारे साथ जो आए थे, ये धीरज बाबू है, ये भी आए थे हमारे साथ, इनको तो आप सब लोग पहचानते हैं बोट के नाम से। तो देख सकते हैं पीछे का मेला हमारा सारा खत्म हो गया है, और सारा मेला बिखर के सब अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो भाई फाइनली आपने देखा सारा प्रोग्राम जितना भी था, सब कुछ खत्म हो गया। एंड एक्चुअली हम लोग, मुझे ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था रात को। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। एंड बस दोनों एक्टर आए थे, और बस छोटा सा एक प्रमोशन था, और प्रमोशन करके वो लोग चले गए। तो गाइस ब्लॉग अगर अच्छा लगा आप लोग को, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।